दागज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोथ की रहा हूँ। फिलहाल हिसार में हाँ और हिसार भी इसी जगह पर हाँ प्रोफेसर कलोनी बाल सुमंद रोड प्रोफेसर कलोनी में मौजूद हाँ और पूरे इसी चीज़ दिखावांगे आपने। मास्टर जी है विजेंद्र जी, एक तो एक पुरानी चीज़ ले रहे हैं, जमा गजब उठा रहे हैं, तो एक तो एक चीज़ इतनी पुरानी है, कई कई साल पुरानी, कोई ढाई हज़ार साल पुरानी है, कोई 3,000 साल पुरानी है, जो अपनी पुरानी चीज़ थी, पुराने राजे महाराजे यूज़ करा करते, वो सारी आपने दिखावांगे। जो म्यूजिक सिस्टम है, जो पुराने स्टार्ट जड़ता रपिये शुरू हुए थे नहीं, जड़ता पिस्से दमड़ी बिरयानी के बोल रहे हैं, हमने तो नाम का भी नहीं पता। मास्टर जी बतावेंगे कुकर के बिल्कुल डिटेल के साथ में ले रहे हैं। मास्टर जी सबसे पहला तो राम राम। राम 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 सभी को राम राम। मास्टर जी यो इतना कड़ा था कुकर इकट्ठा कर लिया, बस शौक है, शौक में सब जायज़ हो जाता है और खुशी खुशी हो जाता है। और छोटा सा म्यूजियम है, इसे में इतना भर रखा है यो मास्टर जी, पर जब बड़ा होता तो लगभग जगह फिर भी जगह होती तो हम उसको भी भर देते, क्योंकि शौक में तो फिर जुड़ती रहती है ना चीज़ें, बिल्कुल कभी कहीं से आ जाती है, कभी कहाँ से। अब मैं पूरे इंडिया से चीज़ें खरीदता हूँ। पूरे इंडिया से ले रहे हो? हाँ, राजस्थान से, गुजरात से, चेन्नई से, मद्रास, इधर तो सबसे आती रहती है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये देखो, ये प्रेस मेरी कलकत्ता से आई हुई। कलकत्ता से आ रही है? हाँ। ले भाई, इतनी दूर दूर तक अपना हरियाणा है कि चीज़ को नहीं आंदी इसमें छोटा हम। लेकिन अगर मास्टर जी आपने बड़ा म्यूजियम मिल जाए तो उतनी भी ठोक दोगे आप? तो फिर सरकार से बोलो यार, बड़े थोड़ी जगह दुआ दे तो मैं तो बड़ा भी बना दूंगा। देखो भाई, गवर्नमेंट बनाने लायक रही है को म्यूजियम पूरा बना लायक रखे गड्डी, अगर हिसार में भी एक बन जाए नहीं तो मास्टर जी उतनी भी ठोक दें हमारा पूरी जैसे, क्योंकि पूरा सामान देखा तो ऊपर तला दरिया है, यो पुरानी चीज़ है, कई कई हजार साल पुरानी है। मास्टर जी ठोक दोगे देखो बात साची हो गई यार। बिल्कुल है, मेरे को एक साल में मैं इतना बड़ा म्यूजियम बना सकूँ। अच्छा, सरकार को बोलो तो ये देखो प्राइस, या कड़ा किया ये मेड इन जापान है, या जापान की है कि भाई देखो मास्टर जी बिरयानी कड़ा कड़ा तो ले रहे हैं जापान तक, या असली ले रहे हैं मास्टर जी, क्यों वो कर रहे हो आप है? अरे भाई हम टीचर हैं, गलत गाइड नहीं करते। अच्छा, सारी चीजें हम सही बोलेंगे। अच्छा सही, देखो मास्टर जी है थोड़ा तो, आप बोलना पूछा मास्टर जी ने देखियो कल ना मास्टर ना अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, जब भारत देश आजाद हुआ और आजादी से पहले तो ब्रिटिश काल का टाइम था ना, यहाँ तो हमारे राजा महाराजा दूसरे देशों में भी तो जाते थे, वहाँ उनको गिफ्ट में मिलता था, या फिर लेके खरीद के लेके आते थे, या फिर अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे तो वो भी अपने प्रयोग के लिए चीज़ें रखते थे ना, तो वो तो उनका साम्राज्य बड़ा था तो इधर उधर से आते रहते थे चीज़ें। जापान था वो लोग चले गए तो सामान तो यहीं रहा ना, छोड़ गए और यहाँ फिर हम लोगों को कलेक्शन में काम आ जाता है। और मास्टर जी देखो देखन सारा सामान पर पुराना था पुराना आप है, क्या मकसद है या फिर आने वाली पीढ़ी दिखाना चाहो? हम मकसद ये है कि पुरानी चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, अपनापन का एहसास होता है। दूसरी बात, इसके साथ साथ यदि शौक के साथ साथ एक म्यूजियम भी यदि बन जाता है तो इस हार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और हरियाणा में एक देखने लायक चीज़ बन जाएगी। और मास्टर जी एक बात क्या है, जब कोई चीज़ हासिल करनी कुछ पाना है तो पागल होना पड़ा उस पीछे। देखो आप भी पूरे मेरे से आप दो पागल ले रहे हो, देखो अगर कुछ आपने करके दिखाना दिखा लग रहा है, एक म्यूजियम बना दिया छोटा हा म्यूजियम, लेकिन चीज़ सारी इधर दी आपने। देखो किसी भी चीज़ के पीछे जब लगते हैं तो डेफिनेटली उसको पूरा टाइम देना पड़ता है और चीज़ों से वो कट ऑफ हो जाता है, इसलिए लोग उसको पागल बोल देते हैं। हालांकि वो पागल नहीं होते, वो अपना जो उद्देश्य है उसके प्रति बिल्कुल पक्के रहते हैं, इसलिए उनको लोग पागल बोल देते हैं। पागल नहीं होते, एक्चुअल में पागल नहीं होते, वो जीनियस होते हैं बिल्कुल। हाँ। और ये कौन सा देश की मास्टर जी एक बार बताइए? प्रेस तो ये जापान की है। हाँ। और ये अपने देश की है अलग अलग, जैसे ये प्रेस तो शुरू में जो प्रेस स्टार्टिंग हुई उस टाइम की है, उसके बाद अलग अलग डिजाइन बनते रहे हैं और फिर ये थोड़ा लगा रखा है, ये भी कलेक्शन में है मेरे, जैसे ये जर्मनी का है, जर्मनी का है, ये आपका एक दोस्त ने मेरे को गिफ्ट किया, ये खाट पत्तल में खाट, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो आप, ये ताड़ पत्थर है। अच्छा, जो हमारे पुराने ग्रंथ थे, देखो सुने हैं भाई ताड़ पत्थर राज मास्टर जी दिखावेंगे। अरे नु कह दिया हमने, जब मैं सारी चीज़ ले पाऊंगा, एक को एक चीज़ पाओगे। अरे यो ताड़ पत्थर नाम में सुनिया है, लेकिन आज देखेंगे इस पर कुकर लिखा गया किस चीज़ के लिए लिखा गया, मास्टर जी पूछें डिटेल में। आगे लिया भाई थोड़ा, ये देखो ये 2,500 साल पुराने ताड़ पत्थर है, अर्थात जो हमारे शास्त्र होते थे ना, उनको संजो कर रखने के लिए इस ताड़ पत्थर का प्रयोग करते थे। मास्टर जी कौन सी लैंग्वेज है या कुछ? ये तमिल, तमिल में है। अच्छा, तमिल में। क्या होता है, कागज की उम्र सारी 100 साल है, 100 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये 2,500 साल पुराने हैं। अच्छा। और ये हजारों साल तक यूं ही सेफ रहे, सेफ रहेंगे बिल्कुल। तो आप ना कड़ा थे मिले मास्टर? ये मेरे को, मैंने चेन्नई से मंगाए थे, वहाँ कलेक्टर है एक बंदा,
वहाँ से हमने लिया, ये लैंग्वेज भी लिखी हुई है और ये किसी तरह का इंक प्रयोग नहीं की जाती इसमें, केवल खोद के यूं दबा के, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, हाँ चाकू होता है एक पतला सा, अच्छा, और ये सॉफ्ट होता है, ये दबाते हैं तो एक प्रकार से पत्ता ही है, ये पत्ता है, नारियल का पत्ता होता है, तो इसको दबा के और उस पर लिख दिया जाता है जो भी मतलब आपके शब्द रहते हैं, और ये तमिल में लिखे हुए हैं। तो ताड़ पत्र भी देख लिया, जो ताड़ पत्र किया हूँ सुने था, लेकिन आज मास्टर जी सारे दिखाऊंगे भाई, जो मैं ए टू जेड देखते रहियो। इसके जो चाकू लिखने वाला चाकू अभी मेरे कलेक्शन में आया नहीं है, अच्छा वो आ जाएगा तो फिर ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल मास्टर जी, एक म्यूजिक सिस्टम है जो मैं इंतजार करे, हम भी ये कुकर चल रहा है, ये सुनांगे। अब ये देखो, ये है आपका म्यूजिक सिस्टम और इसको बोलते हैं ग्रामोफोन। ग्रामोफोन, हाँ, इसके अंदर गिरारी होती है और उसको हम जब यहाँ से घुमाते हैं तो वो उस पे चक्कर चढ़ते हैं। अच्छा, चाबी भरी जाएगी, चाबी भरी जाओगी, सिंपल बात हम बोल दिए इसको। हाँ, ये चाबी भर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब चाबी पूरी हो जाती है तो यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। अच्छा, यहाँ से इसको यहाँ से छोड़ेंगे ना तो ये घूमेगा। अच्छा, और ये नीडल है इसका, यहाँ से इसकी साउंड जाती है और सुनाई देगी आपको, और ये आपका आवाज कम ज्यादा करने का। अच्छा, और इसको हम यहाँ छोड़ेंगे तो आपका गाना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये देखो ये यहाँ से ज्यादा, ये बैलेंस की हुई, ये देख ले भाई, पुराने गजब जमन सदाबहार सॉन्ग चल रहा है। मास्टर जी, इसे जो सुई ही या नुकीले इसे गला चला यार? हाँ, इसी से साउंड वो होती है। अच्छा, इसे गला पड़ा है यार? हाँ, इसमें सांचे होते हैं जो रिकॉर्ड है ना, वहाँ से ऐसे घूमती है टेढ़ी मेढ़ी, और इसी से साउंड क्रिएट होती है। मास्टर जी, यो पत्थर हाके चला है रही हो? हाँ, यो पत्थर हाके है? ये पत्थर नहीं, ये रिकॉर्ड है, मतलब ये कैसेट है एक प्रकार से। अच्छा, उस टाइम की। अच्छा, और ये पत्थर की बनी होती है। दिखाइए मास्टर जी एक बार, ये रोकना पड़ेगा ना। अच्छा, ये देखो, ये रोक दिया मैंने, और ये ओहो मास्टर जी, ये तो कैसेट है। हाँ, जो ये और इसकी ये खासियत है, ये पत्थर की बनी हुई होती है, पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, गाने कितने गाए मास्टर जी? गाने इसमें एक साइड में गाना होगा, दूसरी साइड में गाना होगा, टोटल दो गाने। अच्छा, दो गाने हैं, अलग अलग चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाह मास्टर जी, कमाल कर दिया। तो इतना पुराना वो ले रहे आप हैं, अभी फिर सुना देते हैं आपको। हाँ, दोबारा सुनाओ मास्टर जी, बदल गई, कौन सा गाना होगा? ये देखो, सुना दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आनंद मजा आवे जी, आनंद आवे सुन के मास्टर जी। देखो, ये सदाबहार सॉन्ग है, बुजुर्ग सुने, अमर सॉन्ग है, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, अब आपके टाइम में ये सॉन्ग नहीं बने, काफी टाइम पहले बने थे, लेकिन फिर भी आपको आनंद दे रहे हैं। मास्टर जी, कितने पुराने हो गए अगर इस सॉन्ग की बात करें जो चल रहा है? ये सॉन्ग तो 70-75 के आसपास का है। अच्छा, और ये ग्रामोफोन काफी पुराना है। कितने साल पुराना मास्टर जी? ये 1950 के आसपास का है। 1950 के आसपास का। हाँ, कमाल कर दिया मास्टर जी, इतनी पुरानी पुरानी चीज ले रहे हो। बिल्कुल, और भी देखेंगे, बहुत सी चीजें ले रहे मास्टर जी। वीडियो लंबी बेसक हो जाए, लेकिन जो अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है, उसकी बचाए कर रख रहे हैं, और आगे बढ़कर देखने मिलेगी, या वीडियो चलती रहेगी, देखते रहेंगे। मास्टर जी, यो क्या चीज आएगी? लोक ताले, तालों का पैनल है मेरा। और ये मास्टर जी, ये भी ताले हैं? ये भी ताले, हथियार नहीं है भाई, ये भी ताले हैं मास्टर जी। से ताले कटाउन लग गए? अरे वो है भाई, देख ले, मैं दिखाने लग रहा हूं तुम्हें। यो ये देखो, ये खोल दिया मैंने ताला। ये तो खंजर है मास्टर जी? हाँ, लगे है, तलवार वर्गा है, लेकिन खंजर है, इसको ऐश के पकड़ के भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे भी, लेकिन क्या एक्चुअल में ये ताला ही है, ताला है। हम वैसे ही बोल रहे हैं कि भाई इसको हम प्रयोग कर सकते कर सकते हैं, लेकिन है एक्चुअल में ये ताला है, तो क्योंकि पहले बड़े बड़े दरवाजे आया करते ना। तो यह चाबी है, यह इसकी चाबी है। लगाइए मास्टर जी कुकर, ये लगा देते हैं। एक मिनट रुकियो, ये लिकड़े को नहीं ल खोल के देखते, चूरमा कौन खा रहे, क्या देना है? ना, मेरे पास खुला नहीं मास्टर। हाँ, यो किसे पे खुला, जो ताला लग गया था। अब यह चाबी, ये हमने, वाह जी वाह मास्टर, कमाल कर दिया। तो चाबी भी देखो और ताला देखो किसा है भाई, चोर भी देखते रह जाएंगे, सौदा के है, तोड़ा कुकर है। तो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, बड़े ही मास्टर जी। कितना पुराना है ये ताला? ये 150-200 साल पुराना है। इसके हालात बताने लग रहे ना भाई, बिल्कुल। अरे बिनु कानू पड़ा, बस जर तो लाग रहे, जर लाग रहा है, लेकिन आकड़े, लेकिन आकड़ पूरी है, रस्सी जड़ गई, फिर बटने का एक काम है, क्योंकि मजबूती होती है ना पहले। आज बिनु कानू है, एक ताला और दिखा दूं मैं आपने। अच्छा, ये ताला
ये मेड इन जर्मनी, ये शायद आपको दिखाई देगा नहीं देगा, ये मेड इन जर्मनी। हाँ बिल्कुल, जर्मनी इंग्लैंड के भी है मेरे पास, कई देशों के ताड़े हैं मेरे पास, ये जर्मनी का। और ये देखो काफी पुराना है, काम कर रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जर्मन तो बड़का है मास्टर जी। हाँ पहला देश आजाद हुआ जब अपने पास के था, अंग्रेज चूस गया अपन, लेकिन भारत भी सामान फिर धीरे धीरे जो हमारे मित्र देश थे उनसे मंगाए धीरे धीरे, फिर हम लोगों ने विकास किया। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। करते रहे मास्टर जी, कमाल ले आप भी, जमा इन चीजें पाछा लाग रहे हो और सारे टोटल ल्यान लाग रहे, कड़े कड़े ले आओ आप भी, कमाल ले कर रखा आपने। कमाल तो देखे ऐसा है ना, जब किसी मटका भी यदि भरना हो तो धीरे धीरे एक एक बूंद भी गिरेगी ना तो कुछ टाइम बाद वो भर ही जाता है ना, लेकिन ऐसे ही जब हम थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करते हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे हम कोई भी चीज़ हम मेहनत करेंगे ना किसी चीज़ पर, वो धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। मास्टर जी ये मणिया है किधर रखे हैं? हाँ मणिया है भाई, ये मणिया का क्या करोगे इनका? ये कोड़ी है भाई, ये पैसे हैं हमारे प्राचीन पैसे, ये पैसे हैं। हाँ एंशियंट टाइम के ये हमारे पैसे होते थे। एक कहावत भी है ना कि तेरे को फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। अच्छा तो यह है वह फूटी कोड़ी, यह है वह फूटी कोड़ी, ये कर ले जो करना फूटी कोड़ी नहीं देता है। हाँ कई बार बाबू गुस्सा कर दे। अच्छा कि मैं गोंदियो तो ना फूटी कोड़ी भी गोंदियो। कमाल कर दिया ये आ फूटी कोड़ी, सब तो छोटी का ही होंगे मास्टर जी। सब शुरू में सबसे ढाई तीन हजार साल पहले ये एक पैसे के तौर पे चली। अच्छा अच्छा ये भाई फूटी कोड़ी नो पयागरा नहीं है लड़दे ने या फिर कि और बात हो जाए तना नहीं फूटी कोड़ी भी दिंदा कर ले के करेगा इस तरह ये सारी बात चले है। अच्छा ये एक पैसे दो पैसे का पैनल लगा हुआ। अच्छा पैनल लगा है ये, कोई मास्टर जी कोई डिटेल में भी ले रहे हो आप इन कुछ अच्छे तरीके का कोई? हाँ बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखो मैंने लगा रखी है, देख भाई देख। अब ये तो वैसे रखे हुए हैं लेकिन हमें आपको थोड़ा डिटेल बता दे। अच्छा, देखो ये भाई ये बिल्कुल अच्छा लगे मैंने मास्टर जी ने। आजादी के बाद का पूरा सेट है, जैसे भारत देश आजाद हुआ ना बिल्कुल ऐसे ही, जैसे एक पैसा है मोरे वाला, ये बच्चों के बांधने के लिए प्रयोग आता है इसलिए हमने डाला। हाँ हाँ ठीक है, ये एक पैसा, ये दो पैसा, तीन पाँच दस, ये पूरा पैनल हमने एक रुपया तक बनाया। मास्टर जी नू भी होया करे दो पैसा तीन पैसा, देखिए देखा एक रुपया अगर ऊपर बात करा पांच का दस का पहले नू भी चलिया कर देंगे। हाँ पहले जो आज एक रुपया है ना वो एक प्रकार से पहले एक पैसा चलता था ना पहले, आज वो एक रुपया चल रहा है। एक तो पैसा दो पैसे तीन ये सारे पैसे थे हमारे। अच्छा लेकिन अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो बड़े पैसे छापने पड़ रहे हैं। अब बीस का भी आ गया आपने देखा कुछ टाइम बाद, अब पचास रुपए आने वाला है, सौ का भी आ जाए कुछ टाइम के बाद। तो धीरे धीरे करेंसी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से फिर ये करने पड़ते हैं। पहले तो एक पैसे में सामान आ जाता था, तेरे को पता आज तेरी दादी से या फिर ताऊ से पूछियो जाएगा ये कै रुपये किलो आया करता, कोई दस रुपये किलो बोला कोई बीस रुपये किलो, कोई आठ बोला कोई पाँच बोला, हाँ इस तरह तो। लेकिन आप देख लो हजार रुपये किलो रहे जी, बिल्कुल तो रहे। पहले ये इन चीजों से भी बात बढ़ दी जाए। पहला तो दाने दुनिया का बदला भी आ जाएगा कुछ। हाँ पहले हाँ सामान देना का प्रथा थी ना, वो कब थी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो ये है ना ये कोड़ी, कोड़ी से पहले ये देखो कोड़ी से पहले हमारा सामान दाने देने की प्रथा या फिर सामान के बदले कुछ अदला बदले रहता था। जैसे आपने कोई काम करे या कुछ चीज दी तो आपको कुछ मिल गया, सम्मान देते थे उसको, पार्टनर सिस्टम बोलते थे। बिल्कुल इसके साथ ही धीरे धीरे फिर ये कोड़ी का चलन स्टार्ट हुआ। अच्छा फूटी कोड़ी आएगी पहले, हाँ फिर पूरी कोड़ी साबत कोड़ी, पूरी कोड़ी आएगी। हाँ ये अकबर की दमड़ी, दमड़ी आएगी, ये देला आ गया, देला आ गया, पाई पाई आएगी, पैसा पैसा, अन्ना अन्ना, रुपीज, मतलब फूटी कोड़ी से लेकर रुपये तक की पूरी हिस्ट्री है। ढाई तीन हजार साल का पूरा ये इसमें पूरा पैकेट है। और मास्टर जी थोड़ा डिटेल में और पूछना चाहूंगे, फूटी कोड़ी में कितने पूरी कोड़ी आ गई, दमड़ी में कितने कोड़ी आ गई? देखो फूटी कोड़ी ए तीन फूटी कोड़ी इसके बराबर होया कर दी, पूरी कोड़ी के बराबर। हाँ ठीक है, और ये दस होया कर दी तो ये दमड़ी के बराबर होया कर दी, ये दस जो पूरी कोड़ी होगी दमड़ी के बराबर। हाँ दो दमड़ी के बराबर एक देला होया करता, ठीक है दो दमड़ी के बराबर एक देला। हाँ ये पूरा एक चार चार्ट भी है, ये सुन लियो भाई ध्यान, अगर कोई पूछे नहीं कदे पूछे। हाँ, एक चार्ट भी है चार्ट। वो पूरा इसमें सिस्टमेटिक दिया हुआ है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो रुपए की हिस्ट्री, बिल्कुल तो वो सारा आ जाए। मास्टर जी एक बार चार्ट और दिखाई दे लगे लोग, देखो इस हाँ इस पे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान था भाई, अगर आपने इसके बारे में जानकारी लेनी, पहला पिस्सा था के था दमड़ी थी किस तरह कुकर के कितनी दमड़िया में पैसा बनया। ये देखो फूटी कोड़ी से कोड़ी, कोड़ी से दमड़ी, दमड़ी से देला, देला से पाई,
पाई से पैसा, पैसे से अन्ना और अन्य से रुपया, ये पूरा आ गया है ना। अब देखेंगे भाई, ये देखो तीन फुट्टी कोड़ी, एक जो या फुट्टी कोड़ी है, तीन होगी ठीक है, तीन फुट्टी कोड़ी एक कोड़ी के बराबर बन गई है ठीक है मास्टर जी, और दस कोड़ी एक बराबर एक दमड़ी बनाया कर दी, एक दमड़ी बन गई ठीक है, फिर दो दमड़ी ले लो, फिर एक देला के बराबर एक देला बन गया ठीक है मास्टर जी, फिर डेढ़ पाई बराबर है एक देला, अब डेढ़ पाई तो क्या होगा, एक पाई तो एक ही होती है, डेढ़ पाई का कोई सिक्का नहीं होता था भाई, उसका साथ में ए, इसके साथ मतलब बड़ा हो गया फिर इस तरह पाई दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया, फिर तीन पाई बराबर एक पैसा जी बिल्कुल, चार पैसा बराबर एक आना और सोलह आने बराबर एक रुपया बिल्कुल, इसको बिल्कुल। आप थोड़ा आराम से देखोगे सारी समझ में आ जाओगे बिल्कुल, और यदि इसके हिसाब से आप ये पूरा चार्ट बनाना लगा ना तो एक छबड़ा भर जाएगा नोट सिक्के, बिल्कुल भर जाएगा मास्टर जी, क्योंकि देखो ये पूरे ही दे रखे हैं, और उन्होंने क्या करा है आपकी बात सोलह अन्य सच है, तो ये कहावतें दी हुई है ना, ये देखो सोलह अन्य सच, हाँ, ये मतलब भाई तेरी बात बिल्कुल सही है, या फिर आगे देखो हाँ पाई पाई का हिसाब रखना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ये कहावते बनी हुई बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी कहावते इस पूरे इन पे बनी हुई है, है? ये आठ क्वाइन है ना, आठ क्वाइनों पे कहावते हैं बिल्कुल, दे लिया काम नहीं करती मारी बहू है, देखो एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, सोलह अन्य सच है, देखो ये गिल्ले कहावत बनाई रखी है, और एक रुपया में 256 दमड़ी हुए है, और एक रुपया में 192 पाई हुए हैं, एक रुपया में 128 दे लिए हुए हैं, और एक रुपया में बात करा 64 पैसे, ये ओल्ड है मास्टर जी, और 16 अन्य में एक रुपया हुआ है, इवनू ना कह दिया भाई 100 पैसे में एक रुपया हुआ है, ये पुराना बताऊं 100 पैसे में तो एक रुपया ही होता है, नहीं ये 16 अन्य में एक रुपया होता है, नहीं मास्टर जी जैसे ये चार्ट है, हाँ 64 पैसे पुराने हैं, ये ओल्ड है, हाँ तो उसमें एक रुपया आ गया, हाँ हाँ वाले 100 पीसे हमें 1950 के बाद हमारे अन्ना सीरीज खत्म हो गई थी, हाँ। 1950 के बाद पैसा बोलना शुरू कर दिया हमने बिल्कुल, तो 100 पैसा बराबर एक रुपया, एक रुपया ठीक है दिया पूरे, हाँ इस तरह बन गया था, और इसके बाद फिर एक और दिखा देता हूँ, लगे आते हम, ये ब्रिटिश काल का सेट है, ब्रिटिश काल पाई पैसा विक्टोरिया, विक्टोरिया का क्वार्टर अन्ना है, ये एडवर्ड का क्वार्टर अन्ना है, ये सारे है अन्ना है रुपये, ये भी पूरे सेट है, हाँ बिल्कुल ये पूरा सेट है भाई, इन ये सेट किसी को यदि चाहिए ना आप ये ले भी सकते हो, अच्छा कोई लेना चाहो तो आप दे दोगे, हाँ, तो कुछ सेल वगैरह इनका कुछ चार्ज होता है, हाँ चार्ज थोड़ा सा चार्ज होता है, वो ले लेते हैं हम, क्योंकि कलेक्शन जो करते हैं या फिर अपने बच्चों को नॉलेज देनी है तो ये सेट बड़े ही कारगर है, अभी स्कूल खुले हैं ये आप नॉलेज दे सकते हैं बिल्कुल, और देखो पैसे बहुत लगा रहे मास्टर जी ने, बहुत बड़े रखे हैं, अगर जो मैं डिटेल तो दिखावांगे नहीं सारे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कई घंटे ही बन जाएगी इस तरह तो वीडियो, और मास्टर जी ये देखो अकबर का सिक्का दिखा देते हैं, अकबर का, हाँ अकबर का दमड़ी, ये देखो ये दमड़ी दिखाइए, हाँ, पूरी दमड़ी है ये दमड़ी है अकबर की पूरी दमड़ी है मास्टर जी, जो रियासत नहीं होया करती वो अपने अलग अलग करेंसी चला करती, अपने अपने हिसाब से नोट रुपये चला करती, हाँ तो सारी रियासतें जितनी भी थे ना, हाँ वो अपने अपने सिक्के तो चलाते थे, लगभग लगभग नाम एक ही होते थे, नाम एक ही, हाँ तो कुछ आपका तो कितनी रियासत के इकट्ठे करे थे आपने, जब भारत देश आजाद हुआ ना तो 547 रियासतें थी उस टाइम, और इनको ख़त्म करके फिर भारत का निर्माण हुआ, तो 547 रियासतें छोटे छोटे टापू थे अपने अपनी जगह बैठे थे सारे राजा महाराजा, तो उनको तोड़ के फिर वो किया, और 547 रियासतें फिर वो जो उनका पैसा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि भारत का पैसा चल पड़ा, ऐसे वो सिक्के फिर धीरे धीरे कलेक्टर लोगों के पास जाते रहे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 547 रियासतों में से 350-400 रियासतों के सिक्के मेरे पास है अभी, अच्छा 350-400 तो ले रहे हो आप, हाँ, कर रहे हो, हाँ ये देखो ये ग्वालियर के सिक्के लगा रखे हमने, ग्वालियर के, ये गुजरात के लगा रखे हैं, मालवा के लगा रखे हैं, ये ब्रिटिश काल की पाई है, तो ये सारे हमने फाइलों में लगा रखे हैं, जैसे आप लोग आते हैं तो फिर हम उनको दिखाते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, या कई लोग कलेक्टर लोग लेने के लिए आते हैं उनको भी दे देते हैं, बिल्कुल मास्टर जी बिल्कुल संजो कर रख रहे हैं, ये देखो ये कुमार गुप्ता का है, और बड़ी वाली फाइल लगा रखी मास्टर जी ने इसमें, हाँ उसमें अच्छे तरीके से जड़ रखे हैं,
ये जम्मू कश्मीर की एक डायनेस्टी होती थी, लाहौरी डायनेस्टी बोलते थे। अच्छा, ये वहाँ का सिक्का है। ये लेड कॉइन है, लेड कॉइन बोले तो ये रांग नहीं होते थे, रांग, हाँ, हाँ, ये उसके सिक्के बने थे, शुरू शुरू के टाइम के सिक्के। और भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ये देखो ग्वालियर अपने, या आगरा, अग्रवाह के भी सिक्के बनते थे। अच्छा, अग्रवाह के भी, हाँ, कैथल के भी सिक्के थे, जोधपुर, हाँ, ये अलग अलग स्टेट के हैं। ये महाराजा शिवाजी के सिक्के, शिवाजी के, बिल्कुल बिल्कुल मास्टर जी। ये आपके सिक्किम पर मास्टर जी जो लैंग्वेज है, नहीं देखो इसमें, इसमें तो वो लिखी है ना, ये पंजाबी, पंजाबी जिसमें उर्दू है उसके किस तरह के रीड करो आप? हाँ, उर्दू मैंने सीख ली ना, सीख लिया आपने। इस फील्ड में आने के बाद मेरे सबसे बड़ी समस्या यही थी, क्योंकि इस सिक्कों में जाओगे तो आपको उर्दू या फारसी लिखी होती है। या अगर लगन मास्टर जी ने देखो उर्दू भी सीख ली है, धीरे धीरे फिर सीख लेते हैं। अरे पंजाबी भी आने लगे, पंजाबी नहीं आती, उर्दू, क्योंकि पंजाबी के ज्यादा सिक्के नहीं है, उर्दू कोई ज्यादा, हाँ वो तो पंजाबी के कुछ महाराजाओं को सिंबल होते हैं उससे भी पता लग जाता है, मतलब सिक्कों को हम सर्टिफाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, इस तरह अलग अलग राजा महाराजाओं की फाइलें हमने रखी हुई है जी। बिल्कुल मास्टर जी, कुछ ये भी देखा है के है, ये डब्बे है, ये के है, ये हमारे एंटिक की पूरी सीरीज है यहाँ। ये देखो, ये देखो, ये हमारे पास है, ये हमारे, ये क्या है, ये चुन्नेदानी है, चुन्ना, मतलब चुन्नादानी मतलब, ये पहले तो वो गुटखा जर्दा लगाते थे ना, बिल्कुल सारे, देखो हर टाइम हर चीज थी, लेकिन उसका आकार बदल के वो चीज पेश हो रही है, है ना, तरीके बदल गए, लेकिन किस तरह यूज है मास्टर जी? ये तो चुन्ना दान नहीं है, तमक्खू में मिला के ऐसे से लगाते थे, आप चैनी खानी बोलते हैं, और पहले इस तरह रखते थे, है ना। तो ये हमारे, ये आपके इस्लामिक राजे महाराजा होते थे उस टाइम। ये देखो, ये हमारी एक भाई पाकिस्तान की बनी हुई सुरमा दानी। अच्छा, पाकिस्तान, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। अच्छा, खुलेगी ऊपर, हाँ, ये ऐसे काजल डालते थे ना, मान लो मैं ये चश्मा निकाल दूं, मान लो तेज के अंदर काजल है, तो ऐसे काजल करके यूं करके डालते थे पहले, लेडीज लोग ऐसे करके डालते। अच्छा अच्छा, इससे आंखें ठीक रहती थी। कहां से आई मास्टर जी? ये पाकिस्तान से आई हुई, पाकिस्तान, ये लिख भी रखा है मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिख रहा है इस पे, देखो मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बनी हुई है। या के बोलो थे मास्टर, के नाम है सुरमादानी, 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 और भी बहुत तरह की। ये किस तरह आई मास्टर, ये आप किस तरह ले आए भाई? मैं तो नहीं लेके आया, ये बॉम्बे से मैंने खरीदी हुई है। अच्छा, एक कलेक्टर है उसके पास, हो सकता है ये पाकिस्तान से कोई रिश्तेदार आए हो किसी मिलने मिलने के लिए, ले आए हो, या फिर बाद में खाली होगी, या फिर गिफ्ट करके चले गए होंगे। तो इस तरह ये मतलब रेयर चीज है ये, क्योंकि पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान बहुत कम देखने को। बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ बर्तन है यहाँ देखा। अच्छा, ये बर्तन किस चीज के, किस मेटल के? ये कॉपर के हैं वैसे तो, कॉपर के, ये परत है कुछ और, चांदी की, चांदी की परत है। अच्छा, ये ओके, डेलू, डोल्लू है, डोल्लू दूध वगैरह रखने के लिए, या फिर के लिए और कई चीजें रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूध का देखिए, वो भी है जी बड़ा। हाँ, ये भी दिखा देता हूँ आपको, क्या होता है ना, ये सब सारी चीजें एक दूसरे के साथ लगा के रखी है, लगा कर, शानदार चीज है, ये कलेक्शन की चीजें हैं भाई। बिल्कुल। और ये क्या बोले जा भाई, केटली है ये, चाय पीने की केटली। अच्छा, केटली है, ये तो कई प्रकार की आकृति है। और ये देखो, फल फ्रूट रखने के लिए या कुछ और सामान रख, डक के रखने के लिए। अच्छा, फल फ्रूट के लिए मैंने सोचा हुआ नहीं आ गया, श्रृंगार दानी, श्रृंगार, श्रृंगार दानी अलग होती। ये देखो, ये बताओ क्या है, ये तो नहीं, वो बाड़ा कर दे उसके, नहीं नहीं, ये है इंक पॉट बोले तो, स्याही डाल, स्याही डाल कर लिप कलम आपको मैं दिखा, मैं भी प्रयोग करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी प्रयोग, वाह जी वाह, मैं इससे लिखता हूँ, ये प्रयोग करता हूँ। बिल्कुल मास्टर जी, आज भी यूज कर रहे हैं थे, पेन से लिखता हूँ मैं, पेन से, हाँ 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 बिल्कुल। ये देखो सारे बर्तन बांटे, ये बर्तन है, बहुत पुरानी चीज ले रहे मास्टर जी सारी। जी खाना कैसे रहा करो, जो खाना केयर पीने की चीज थी नहीं, हाँ। किस तरह केयर हो रहा है, बीमारी भी लगी अगर दी, हाँ बीमारी उसकी वजह है ना, पहले कॉपर और आपका तांबा प्रयोग होता था, हाँ। तांबा और पित्तल, पित्तल और उसमें चीजें खराब नहीं होती थी। और ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे शरीर में तांबा भी है अंदर, हाँ। पित्तल भी है, सोना भी है, चांदी भी है, सारी चीज है अंदर। यदि आप शरीर को वो चीजें नहीं दोगे तो उस चीज़ की कमी हो जाओगी और बीमार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें कंटिन्यू
जाती थी हमारे अंदर शरीर में, वो मिलती रहती थी, पूर्ति होती रहती थी। पहले लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया करते, उसमें लोहे में लोह तत्व होता है और शरीर को चाहिए मजबूती के लिए। अब वो लोह तत्व कहाँ से आएगा, कढ़ाई में सब्जी बनाते नहीं कोई भी, तो पीतल सिल्वर के जो आ रहे हैं उनको उनमें बुलाते हैं, तो फिर लोह तत्व कमज़ोर नहीं होगा शरीर में, तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे ही यदि मजबूती चाहिए तो पुराने बर्तनों का प्रयोग करना जरूरी है। मास्टर जी, अगर बात करें कोई प्रोग्राम हो, कोई मेले लग गए, तो हरियाणा सरकार आपने बुलाती होगी? हाँ, बुलाती है, हर बार बुलाती है। जैसे आपका सूरज कुंड का अभी करके आए थे हम मेला, इससे पहले गीता जयंती पे हरियाणा सरकार काफ़ी बार बुलाती रहते हैं। अच्छा लगता है वहाँ, अभी राष्ट्रपति जी आए थे वहाँ, हमारा स्टॉल लगा हुआ था, सिक्के हमने डिस्प्ले किए हुए थे, राजे महाराजाओं के स्टैंप है, राजे महाराज, ये सारे डिस्प्ले हमने किए हुए थे। मास्टर जी, मेला में जाओ, भीड़ तो लगती, पूरी भीड़ लग जाती, जो कोई स्टॉल पे अपना मजा आता है, खुशी होती, भीड़ लगी रहती, तो इससे क्या सिद्ध होता कि लोगों का क्रेज है पुरानी चीज़ों को देखने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए। फिर एक मास्टर जी हो गए तो डेफिनेटली अलग खिंचाव रहता कि मास्टर जी क्या ले गया है। कुरुक्षेत्र में विशेष हमारे प्रति प्यार मिलता है, क्योंकि उनको हर बार जाते हैं तो हर बार उनका भाव ही होता, मास्टर जी आपकी बार क्या नई चीज़ लेके आए। बिल्कुल, और भी आगे दिखाना चाहूँगे आपने मास्टर जी, छोटा सा म्यूजियम है लेकिन बर्रे पूरा है, और देखो ये बहुत पुराने बर्तन, हाँ ये जो रोटियां का टिप्पण है ना, और ये श्रृंगारदानी है। अच्छा, ये श्रृंगारदानी, ये श्रृंगारदानी है, रोटियां का टिप्पण आपको मैं, ये भी रोटियां की टिप्पण है। अच्छा, और ये भी रोटियां का टिप्पण जी, बिल्कुल लकड़ी का है, लकड़ी का है ये, तो मजबूत तो है श्रृंगारदानी ये मास्टर जी। हाँ, तो फिर लोग भी तो मजबूत थे, और चीज दिखा, और जोन से अपनी दादी पड़दादी जो यूज करिया करती, पेटी संदूक ये दिख लग रहे आपने, ये देखो ये भी एक प्रकार से आपकी चुना दानी, ओ श्रृंगार पानदानी, 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 पहले वो दूसरी देखी थी एक। हाँ, ये दिखाते, ये पूरी कोफर की बनी है। अच्छा अच्छा, पूरा सेट है ये, देखो सेट है, तो कई राय मसाले डले करते, फिर मसाले नहीं है, नहीं ये पान, पान कुछ मिलाने के, हां एक में जर्दा हो चुनना होता था। हाँ, और कई सुपारी पूरी रखते थे, कई मिला मिले को लाने होंगे। हाँ हाँ भाई, पहले सभी घर में ये चीजें प्रयोग होती थी, अब प्रयोग नहीं होती तो हमें अजीब सा लगता है, है ना। पहले तो हर घर में खाना खाने के बाद लेते हैं। बिल्कुल, और जो टिप्पण है ये तो रोटी रखने के लिए, रोटी रखने के लिए। ये दिखाओ आप, ये नूके नू ले रहे मास्टर जी, ताजे जो ताजे ताजे भाई, इन पर मेहनत कर रखी है खूब खूब, ये बहुत ही डल कंडीशन में आए थे। हाँ, साफ सफाई करके ग्राइंडर के साथ तेल तूल लगा के फिर कहीं करके ये साफ है। इतनी मेहनत कर रहे मास्टर जी, जमानो आने वाली पीढ़ी दिखाने खातर एक बहुत अच्छा म्यूजियम बना रखा है कि बच्चे आवे देखे, तो आने वाली पीढ़ी देखे, बच्चे के सारे आके देख सके मास्टर जी। अगर कोई आना चाहे, कोई भी आओ, कोई अपने फीस तो है नहीं, फ्री में आओ, फ्री में कोई, बल्कि गिफ्ट और देते हम तो कोई आते हैं। अच्छा, गिफ्ट है। हाँ, अगर मास्टर जी किसी तो रहे, कोई सामान हो नहीं, वो कई बार नो जगह मुँह में पड़ा है, अगर आप तो देना चाहो तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, देना चाहो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी चीजें मेरे पास आई भी हुई है, और कोई देना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आपकी चीज हम संभाल के रखेंगे। कई बार मुझे है एक्स्ट्रा पड़ा रहा हो, मतलब यूज में नहीं होती, यूजलेस होगा, तो वो नो सोच म्यूजियम में दे जाए तो आप तो दे देंगे। हाँ, दे देते हैं, आने वाले टाइम में जब वो जो चीज वो देंगे उनके नाम की चिट्ठी लगा के हम रख देंगे, तो अच्छा लगता है, वो चीजें उनकी हमेशा के लिए संभाल के रखी जाएगी, इस तरह भाव रहता है। और मास्टर जी ये छाबड़े है, ताले के भर रखे हैं, ये भाई देखो, ओहो हो, ये ताले के छाबड़े हैं, ये तो वजन भी पूरा है। अरे चाबी भी किले ले रहे हैं, चाबी भाई ये बार वर्किंग कंडीशन में है, और ये मटका देखो पुराना बड़े वाला। अच्छा, और दिखाऊं अपने कुछ, ये सारे चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, खजाना दिखाओ, खजाना ले दिखा दो, खजाना तो जरूर देखा है मास्टर जी, ये ले खजाना देख, वाह जी वाह मास्टर जी, मेरा ये रतिया का भर रखा है, ये देख खजाना, तो आने वाले जो भी आते हैं यहाँ हम उनको कमाल कर दिया मास्टर जी, हमारे नुए समझ में आ रही, लिया कड़े तो इतना कुकर इकट्ठा कर रहे हो आप, है हमने तो हो जाता है, हो जाता है। जब कितने साल की मेहनत है यहाँ, 5-6 साल हो गए बस, 5-6 साल ले गए, मेले जुट रहे हो। हाँ, दिन रहते लाग रहे हो, फिर इतना इकट्ठा करना क्या आसान बात है, नहीं लगे रहते हैं, कहीं भी कोई चीज़ खोल आती है या फिर कहीं से मिलता है तो ले आते हैं, राजस्थान से, गुजरात से, या फिर आपके साउथ की तरफ से बहुत सी चीज़ें ले आते हैं, या जो नहीं ले आते हैं वो हम बाई पोस्ट मंगवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत सारा,
लेकिन यूँ है, चलता रहता है। बिल्कुल। और भी देखो ये पुरानी चीज़ देखना चाहोगे, ये टेलीफोन वगैरह है, वो गदर फिल्म में नहीं करे अगर मास्टर जी ये अमरेशपुरी फोन करके वाला अलग था, अच्छा अलग था क्या? वो एक मित्र ले गया। अच्छा वो मिलाया कानून नहीं क्या? हेलो सक्कू अमरेशपुरी बोले अगर। ये देखो ये है राइस मेजरमेंट, ये चेन्नई से मैंने मंगाया हुआ है। अच्छा पहले तोल नहीं थे ना, हाँ तो इनसे चावल मापते, चावल इनसे मापा कर दे। ये पाँच पाँच शेर का चावल, पाँच शेर का अलग अलग वो है ये सारा। ये देखो इनकी बनावट ही बता रही है कि बहुत पुराने, बिल्कुल बहुत पुराने और बारी भी पूरे हैंडमेड है, पूरा हाथों से बने हुए हैं, बिल्कुल बारी है। ये टीवी वगैरह भी, टीवी वगैरह भी है। ये देखो आप टीवी देखो, ये तो लगभग हाँ हो गए 20-30 साल। हाँ हाँ ये तो ज़्यादा पुराने नहीं है, लेकिन यूँ है आने वाले टाइम में तो ये भी चीज़ पुरानी है। बिल्कुल अच्छी बात है। अभी ईव तो खत्म हो गई, अगर देखा तो ईव तो खत्म हो गई कुछ टाइम में के लिए। आपने वीसीआर भी कौन देखा होगा? ना देखा जी, देखा होगा लेकिन ईव कौन देखने मिलता? ईव को नहीं देखने मिलता, मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा चलो जरूर दिखावांगे, कहाँ गए वो बचपन के दिन है। ये माता लक्ष्मी की है फोटो, मूर्ति है, दोनों काफी पुरानी लगे बहुत। हाँ ये पूरे आसपास के एरिया में मेरे पास ही है, किसी के पास नहीं। ये तो पूरी बारी है जी, पूरा वेट है मतलब। हाँ किस मेटल की बन रही है ये? लोहे की है, कुछ और भी मिक्स है इसके अंदर से। अच्छा और ये देखो ये ओके हैं भाई, छोटे वाले। अच्छा ओके है जी। हाँ पहले लोग पैदल चलते थे ना, हाँ तो अपना अपना रखते। अच्छा अच्छा उन्होंने बस नहीं रखा इसकी नाले, वो ऊपर पीने की वो निकाल रखी है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, तो बहुत पुराने हैं। और एक यो ये ओके है, ये ठीक ठीक है। तो मास्टर जी ये वर्किंग कंडीशन में है अगर देखा तो? हाँ ये अपना टेप रिकॉर्डर है, कुछ रेडियो है, कुछ वर्किंग कंडीशन में कुछ खत्म हो चुके हैं, मतलब खत्म बोले तो कुछ इनमें कुछ कंपोनेंट नहीं है तो वो। हाँ वो कुछ उड़ रहा होगा। हाँ तो इसमें सिस्टम के लगा रखा? हाँ इसमें है आपका ये हंटर है, इसके अंदर हंटर ये अंग्रेजों के टाइम का हंटर है। अच्छा वो खाल पैड ये 7-8 फुट का हंटर है जी। अरे मास्टर जी वो किस हालात में है? बहुत शानदार कंडीशन में है, और इसको 6-6 महीने में तेल पे आगे रख देते हैं। यूज भी करोगे? ना यूज तो किस पे कराएंगे सर, यूज तो किस पे अंग्रेजी कराया कर दे, यूज अंग्रेजी कराया कर दे सर। इसके साथ तो बुरी यादें हैं ना हमारी, बिल्कुल यादें हैं। किस तरह अपना अत्याचार हो अपने बुजुर्ग पे होया करता, किस तरह उनकी पिटिया कर दे। तो मास्टर जी अगर इसकी कोई जानकारी लेनी नहीं, कोई आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है किसी तरह की? हर बहुत से देखो सौकिया मिले हैं, सोचा है मान ली ये हंटर है, इसका बारे में जानकारी लेनी हो आपने डाले, कोई पैसा है पैसा के बारे में जानकारी डाल रखी हो, तो के कोई है अपना वो? हाँ पहली बात तो मेरा मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो स्क्रीन पर लगा दे मोबाइल नंबर। 7206841898 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। बिल्कुल कोई भाई यदि मेरे को कुछ गिफ्ट करना चाहे या कुछ लेना चाहे तो आप ले सकते हैं या दे सकते हैं। दूसरी बात मेरा एंटिक चैनल है, मेरा एक चैनल भी है जिस पे मैं इन सब चीज़ों की छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। उसका नाम है चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम है एंटिक क्लासेज, एंटिक क्लासेज क्लासेज। हाँ क्योंकि मैं मास्टर जी हूँ, क्लास तो डेफिनेटली लेंगे हम। बिल्कुल जी बिल्कुल मास्टर जी तो इस बारे में थोड़ी नॉलेज देते हैं, तो उसका नाम हमने नाम डाल दिया एंटिक क्लासेज, एंटिक क्लासेज जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में जो हम नॉलेज देते हैं, इसलिए हमने उसका नाम डाला है एंटिक क्लासेज। बिल्कुल मास्टर जी ने बहुत कुछ दिखाया है, और देखो वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इतना माल ले रहे मास्टर जी, इतनी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत साल पुरानी है, लेकिन हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी जितनी भी दिखाई गई है। तो आपका क्या कुछ मानना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी है, और मास्टर जी की जो ये चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं इसके बारे में के कुछ कहना है आपका, और मास्टर जी देखो दिन रात लाग रहे हैं, मास्टर जी के बारे में के कुछ कहना है, तो एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।